दोस्तों एप्पल की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आईफोन 16 के लिए लोग जो है पागल हो चुके हैं और मुंबई में लाइन लग चुका है, इस तरह की कोई न्यूज़ निकल के आ रही है। अब महाराष्ट्र के लोग ऐसा कर रहे हैं या पूरा इंडिया में ऐसा हो रहा है, आप बताइए कमेंट में। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्ल्ड का पहला प्रोटेस्ट कब हुआ था, पता तो बताइए, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। 16th सेंचुरी में ये जो है यूरोप से शुरू हुआ था, उसके बाद नीदरलैंड में 1770 में हुआ था, उसके बाद पर्शिया में 1788-89 में हुआ था, इस तरह की न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको ये चीज़ पता है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है रज़ा खान, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था बहुत इंटरेस्टिंग पोल और बहुत पहले पूछा था कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या होता है स्टडी के लिए। तो 49% लोगों ने कहा कि लैपटॉप बेस्ट होता है, 23% लोगों ने कहा कि बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम बोलते हैं कि 100% बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ 21% लोग हैं जो मोबाइल का नाम लेते हैं, और कुछ 7% लोग हैं जो टैब का इस्तेमाल करते हैं। मेरे हिसाब से पहला नंबर पे लैपटॉप आता है, दूसरा में टैब आता है, और तीसरा में जो है मोबाइल आता है, और जो टॉप में है वो तो बुक्स ही आता है। इस तरह की कुछ अपडेट है, आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर बताएं। पहली अपडेट के तब पढ़ते हैं तो बात करते हैं व्हाट्सएप की। ऐसा बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप में एक नया तरह का फीचर्स आ गया है, जिसके हिसाब से ये पता चलेगा कि व्हाट्सएप में आप जो भी आप ऑफलाइन बैकअप रखेंगे उसको जीमेल में डालने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली क्लाउड में सेव हो जाएगा। बस इसका कुछ चार्जेस वगैरह लगेगा, 10 GB या 15 GB का आपको स्टोरेज मिलेगा, इस तरह के कुछ अपडेट है। आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है वी की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि वी का जो रिचार्ज है 479 का, उसका जो है प्राइस नहीं घटा है, प्राइस बढ़ गया है। उसका डेज कम हो गया है, 56 दिनों का हो गया है जो पहले 84 डेज का था। आपको क्या लगता है जियो और एयरटेल ये भी अपना प्राइस को बढ़ाएगा फिर से, कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है डेटा स्कैम की। ऐसा बताया जा रहा है कि डेटा चोरी हो रहा है आपका, वो इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां पर आपका नाम नंबर वेरिफिकेशन करना होता है, और जहां आप नाम नंबर वेरिफिकेशन कर रहे हैं वहां पर आपका डेटा चोरी हो जाता है, इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। आपको इससे रिलेटेड जो भी लगता है ज़रूर बताइए कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है वीडियो एडिटिंग अगर आप करते हैं तो एडोबी एक्सप्रेस नया अपडेट लेकर आया है, जिसमें बहुत सारी फीचर्स है, बहुत सारी AI टूल्स है जिसको आप अपने वीडियो शूटिंग में और एडिटिंग में यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की कुछ अपडेट है। आप में से कितने लोग यूट्यूबर है या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाते हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है BGMI की। ऐसा बताया जा रहा है कि 3.4 का नया अपडेट आया है, जिसके थ्रू नया कैरेक्टर भी आया है और घोड़ा वगैरह आप दौड़ा सकते हैं गेम में, और कुछ म्यूजिक चेंजेस भी होगा, इस तरह की कुछ अपडेट है। आप में से कितने लोग BGMI या PUBG अभी तक खेल रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है अमेज़ॉन की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि एक AI जनरेटर टूल लेके आया है अमेज़ॉन, वो इसलिए कि जो लोग ऐड वगैरह डालते हैं, जो घर से अपना काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी एड्स का रेवेन्यू वगैरह होगा वो उनको मिलेगा, इस तरह की कुछ अपडेट है। आपको जो भी लगता है आप में से कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग अपने घरों से करते हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है iOS 18.1 की तरफ से। नया अपडेट आने वाला है बीटा में, जिसमें देखने को मिलेगा AI इंटेलिजेंस इन्हेंसमेंट जो एप्पल के फ़ोन में होगा, और इसको किस तरह से एप्पल इंप्लीमेंट करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन आप में से कितने लोग आईफोन 16 के लिए वेट कर रहे हैं या लेना चाहते हैं, या 15 या 13 लेंगे कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है आईफोन 16 की तरफ से। इसकी बैटरी इमेज जो है आ गई है इन्फॉर्मेशन, जिसके हिसाब से आईफोन 16 में 3560 mAh की बैटरी है, और 16 प्लस जो है उसमें 46,000 mAh की बैटरी, 100 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। वहीं बात करते हैं 16 प्लस की, तो उसमें देखने को मिलेगा 3680 mAh की बैटरी, और इसका प्रो मैक्स जो है उसमें 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, इस तरह की कुछ अपडेट है। आपको इससे रिलेटेड जो भी लगता है जरूर बताइए कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है एप्पल की तरफ से। बहुत बड़ी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो एप्पल के होने वाले हैं वो माधुरी दीक्षित जी होने वाली है, और इनका कुछ टीज़र आया है, मतलब इंडिया में जो ऐड दिखेगा आपको आईफोन का उसमें माधुरी दीक्षित जो है दिखेंगी, इस तरह की कुछ अपडेट है। वैसे आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है कमेंट में जरूर बताइए। वक्त होता है आपके सवाल लेने का। सुविक जी का सवाल है कि यूट्यूब HDR पे चलता है रियलमी 12 प्रो प्लस पे, तो HDR पे अभी नहीं चल रहा है, रियलमी UI 6.0 एंड UI 15 के साथ जब आएगा तो ये रन करने लगेगा, इस तरह की कुछ अपडेट है।
आपके पास कौन सा फ़ोन है और आपके YouTube में HDR 10 Plus चलता है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है Xiaomi Mix Flip की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि Xiaomi Mix Flip बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा और ये ग्लोबल जाने वाला है। इनके जो CEO है चिंगपुंग करके कुछ नाम है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो उन्होंने ये ट्वीट किया और बताया है कि ये इंडिया में और ग्लोबल जाने वाला है और इसकी प्राइसिंग जो है 70,000 रुपीज़ होगी। इस तरह की कुछ अपडेट है, लेना चाहेंगे आप? मुझे तो ये फ्लिप फ़ोन एक हद तक सही भी लगता है और अगर एक दो साल निकल गया तो स्क्रैच वगैरह जो है बीच में डेंट वगैरह आ जाता है, अगर ये चीज़ रिमूव हो जाए तो इससे बेस्ट नहीं रहेगा? आपको ऐसा कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है Xiaomi का 15 सीरीज़ की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि 90 वाट का फास्ट चार्जिंग और 25 वाट का वायरलेस चार्जिंग इस फोन में देखने को मिलेगा। आप लेना चाहेंगे और इंडिया में ये लॉन्च होगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है Redmi Note 14 Pro। ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी इमेज आ गई है और कलर ऑप्शन दिख रहा है। कलर तो बहुत ही हेवी नाम है, कुछ मिरर तीरर पर्पल करके है, लेकिन सिंपल में बता देते हैं, एक वाइट पे आएगा, एक ब्लैक पे आएगा और एक ग्रीन कलर पे आने वाला है। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। आप में से कितने लोग लेना चाह रहे हैं 14? हम इसको इंडिया से ज़रूर मंगाएंगे और इसका रिव्यू ज़रूर देंगे। उसके लिए स्टेडी ऑन करिए, सब्सक्राइब करके रखिए। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग का S25 सीरीज़। ऐसा बताया जा रहा है कि 3C सर्टिफिकेशन में लिस्ट होने के बाद सैमसंग का S25 में आपको देखने का मिलेगा 25 वाट का फास्ट चार्जिंग और जो इसका अल्ट्रा होगा 45 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। क्या लगता है, 1.5-2 लाख ये लोग ले लेते हैं फ़ोन का, आपका किडनी भी ले लेते हैं साथ ही साथ, और चार्जिंग जो है इतना स्लो होता है, क्या ये सेफ है या नहीं है? आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है वीवो का V40e इंडिया में लॉन्च होने वाला है लगभग 25 तारीख को, 25 सितंबर को। इस तरह की कुछ अपडेट है, आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए कमेंट। अगली अपडेट आ रही है वीवो का X200। ये जो फ़ोन है बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा और ये X200 के कैमरे के बारे में बात करते हैं। तो X200 में जो कैमरा होगा वो 10x जूम के साथ आएगा और 200 जो है इसमें जूमिंग पावर देखने को मिलेगा, मतलब 10x लॉसलेस जूम के साथ आएगा। इस तरह की कुछ अपडेट है, आपको जो भी लगता है ज़रूर बताइए कमेंट। अगली अपडेट आ रही है वीवो का डेवलपर कॉन्फ्रेंस होने वाला है चाइना में 10 अक्टूबर को, जिसमें एंड्रॉयड 15 वगैरह लॉन्च होने वाला है। इस तरह की कुछ अपडेट है, आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है OnePlus 13 के तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार सबसे ज़्यादा 24GB का रैम इसमें देखने को मिलेगा। एक वक्त था जब 24GB इंटरनल स्टोरेज होता था फ़ोन का और आज के डेट में जो रैम है उसकी कैपेसिटी 24GB की हो गई है। आने वाले टाइम में क्या लगता है 1TB तक का रैम जाएगा तो फ़ोन का स्पीड कितना होगा, कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है 24 सितंबर को लॉन्च होने वाला है टेक्नो की तरफ से टेक्नो पॉप 9 इंडिया में, जिसमें देखने को मिलने वाला है IPS डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के साथ, डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल का कैमरा। आपको जो भी लगता है लेना चाहेंगे आप। इसका प्राइस जो होगा मे बी 10,000 होगा इंडियन मनी के हिसाब से। आप किस जगह पे रहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों टेक न्यूज़ होता है ख़त्म, बात करते हैं डील्स और ऑफर की। तो बता दें कि गूगल का पिक्सल 8 31,999 में मिल रहा है और दूसरा जो फ़ोन है गूगल का पिक्सल A7A ये जो फ़ोन है आपको 25,999 मिल रहा है, तो ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।